Dear students, uh, now we are going to discuss uh, the wave of uh, technology and innovation which has uh, very rapidly influenced our production system, our human resource system, our accounting and financing system, our inventory control system. So, we are going to discuss all those aspects of uh, technology and innovation wave. जो वेव आई है उसने किस तरीके से आ, हर चीज को इन्फ्लुएंस किया मूविंग हेड प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी में ने क्या किया किया है काम कि कैड कैम का कॉन्सेप्ट कि कंप्यूटराइज डिजाइनिंग एंड कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग कंप्यूटर इन डिजाइनिंग द वो डिजाइन जो किसी जमाने में लोग पेंसिल और पेपर और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठ के आवर्द एंड आवर्स एंड डेज एंड डेज इस्तेमाल करते थे बनाने के लिए नाउ दैट कैन बी यूज थ्रू कंप्यूटर और उसने क्या किया है उसने एक तो एक्यूरेसी ज्यादा कर दी है और फाइनेस ज्यादा हो गई है अब जो नए डिजाइन बनते हैं यू कैन सी दिस दिस टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो फैब्रिक हम यूज करते हैं टेक्सटाइल यूज करते हैं उसके ऊपर जो डिजाइन बनते हैं अब ऑल दीज आर कंप्यूटराइज डिजाइन और ये जो कंप्यूटराइज डिजाइन हैं दीज आर मोर एक्यूरेट मोर शार्प एंड मोर इजियर टू मेक नाउ एज कंपेयर टू ओल्ड टाइम तो दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड देन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जैसे हमने पहले कहा कि पीएफसी का जो इस्तेमाल हुआ है प्रोडक्शन में आके और जो सर्कट्स का यूज किया हमने प्रोडक्शन में और सेंसर का यूज किया प्रोडक्शन में इससे जो स्पीडी प्रोडक्शन हुई है उसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आई है और उससे मैस प्रोडक्शन हुई है कास्ट कंट्रोल हुआ है अगर आप देखें कि इस इनोवेशन ने कौन कौन से एरियाज़ को इन्फ्लुएंस किया है सबसे पहली बात यह प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शार्टर हो गया आप सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं यू यूज कैमरा यू यूज सेल फोन और आपको पता है कि एवरी नो एंड देन न्यू ब्रांड आता है न्यू मॉडल आता है और हमें लगता है कि पहले वाला ब्रांड पहले वाला मॉडल पहले वाला वर्जन ऑफ द ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इज ऑप्सोलीट नाउ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत जल्दी ऑप्सोलीट होना शुरू हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है दैट इज ओनली नाइन्टी डेज नाउ यानी हर नवे दिन के बाद एक नया मॉडल आ जाता है उसी प्रोडक्ट का और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि प्रोडक्ट बड़ी तेजी से इन्वेंट हो रही है प्रोडक्ट तेजी से इसलिए चेंजेस आ रही है इसलिए टेक्नोलॉजी उसमें रोल प्ले कर रही है क्योंकि अब हमारे पास वो कैड कैम्प की फैसिलिटी अवेलेबल है और उस फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से प्रोडक्ट के नए मॉडल नए नई शेप नए वर्जन नए कलर्स नए डिजाइन एंड नए फीचर्स वो बहुत तेजी से आ रहे हैं तेजी से नए फीचर आने की वजह से एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या है दैट इज शेल्फ लाइफ कि पुराना प्रोडक्ट बड़ी तेजी से ऑप्सोलिट हो रहा है और दिस इज ए ग्रेट चैलेंज फॉर मार्केटर्स के मार्केटर्स के लिए चैलेंज है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत जल्दी मार्केट में डिस्पोज ऑफ हो जाए ताकि की जो नया आने वाला वर्जन है उसके लिए जगह बने अच्छा अब यहां पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों तरफ से कि एक तरफ कस्टमर है कस्टमर ये चाहता है कि हमें लेटेस्ट मॉडल मिले लेटेस्ट ब्रांड मिले लेटेस्ट वर्जन मिले और कस्टमर अपने बाइंग डिसीजन को डिले करता है इसलिए कि मैं वेट करूं कि नया वर्जन आ जाए नया मॉडल आ जाए तो मैं उसको बाई करूंगा एट द सेम टाइम मार्केटर के ऊपर ये प्रेशर है कि उसने मार्केट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट जल्दी बेचना है तो एट ए एट द सेम टाइम ये दोनों फोर्सेज काम कर रही है एट दिस इज ग्रेट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्टी फॉर द बिजनेस मैन नाउ क्योंकि प्रोडक्ट बड़ी तेज से अप्सोलेट हो रही है ये जो स्पीड है प्रोडक्ट uh, की डेवलपमेंट की इसने बहुत बड़ा चैलेंज बना दिया मार्केटर्स uh, के लिए इसी तरह जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स भी पढ़े हैं और आप में से कुछ लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाना है यू माइट बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वन डे एचआर को बड़ा इन्फ्लुएंस किया है टेक्नोलॉजी ने अगर आप स्टार्ट करें ह्यूमन रिसोर्स में स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन विच इज रिक्रूटमेंट फंक्शन कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एप्लीकेशन इनवाइट करती है थ्रू टेक्नोलॉजी यू अप्लाई ऑनलाइन और ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन टेस्टिंग है और ऑनलाइन आपके पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहे हैं जिसके ध्रिय जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जजमेंट करती है किस पर्सन सुटेबल फॉर आस आर नॉट ये सारा जो फैसिलिटी ये पहले अवेलेबल नहीं थी अब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे कैंडिडेट बैठे हैं जिनको आप ऑन फोन और ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फिर आप आ जाए सिलेक्शन में सिलेक्शन के बाद जिन एम्प्लॉयज ने काम पे आना है उनको साइन इन करना है या तो उनको थाम लेना है या उनका कोई पासवर्ड है उसके जरिए साइन इन होना है साइन एंड जो मैकेनिकल है उसने एचआर का काम बहुत इजी कर दिया है कि अब आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑटोमेटिकली इन योर कंप्यूटर नाउ यू नो कि आज कौन कौन आया है कौन कौन नहीं है और कौन लेट ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा है कौन जल्दी चले गया था ये सारा रिकॉर्ड जो है अब आपको जैसे पहले मैनुअल मेंटेन करते थे अब करने की जरूरत नहीं है तो ये अब उसके बाद आ जाए परफॉर्मेंस अप्रेजल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं अप्रेजल इज बेस्ड ऑन नाउ केपीआईज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज आर मेयर्ड थ्रू स्टेटिस्टिकल डेटा कंप्यूटराइज डेटा और वो डेटा जो है वो खुद बताता है कि वेर डू यू स्टैंड नाउ और अप्रेजल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो रही है ये हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है ये उस, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है टेक्नोलॉजी का तो हमने डिस्कस किया कैसे प्रोडक्शन को कैसे टेक्नोलॉजी को कैसे मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस किया है टेक्नोलॉजी ने अब आज थोड़ा सा फाइनेंस को भी देखते हैं कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो फिनटेक है आइडिया फाइनेंस थ्रू टेक्नोलॉजी के कंप्यूटराइज एप्लीकेशन है कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आप एक जनरल एंट्री डेबिट और क्रेडिट करते हैं जिन लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है दे अंडरस्टैंड बायर कि आप एक जनरल एंट्री करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो एंट्री वो सारे जहां जहां, जहां उसका रिकॉर्ड बनना है जाके वो ट्रायल बैलेंस में इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में जहां जहां, जहां उसको इन्फ्लुएंस जाना है वो वहां पे जा रहा है दिस ऑल इज नाउ कंप्यूटराइज इसी तरह इन्वेंट्री कंट्रोल आप ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर जाते हैं आप यू बाई ए स्मॉल थिंग फ्रॉम ए स्मॉल शॉप उनके पास स्कैनर है वो स्कैनर को स्वाइप करते हैं वहां से ए, स्कैनर जो है वो एक साउंड देता है और ये प्रोडक्ट वहां से निकल गए ये काम इसका इंपैक्ट कहां पे पीछे स्टोर में कि आपका जो इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो एक स्कैनर के बाद देख लेता है कि हमारे का जो स्टॉक लेते उसमें कितनी कमी हो गई और फिर आपका जो मिनिमम ऑर्डर लेवल था मिनिमम ऑर्डर लेवल जब पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली यहां से आपके जो सप्लायर है जो वेंडर है उसको इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि एक्स कंपनी को प्रोडक्ट की जरूरत है तो इसी ने जो इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारा उसको भी इन्फ्लुएंस किया टेक्नोलॉजी की वजह से इन्वेंट्री so कंट्रोल जो है वो रिलेटिवली रिलेटिवलीजियर हो गई है रिलेटिवली मोर एक्यूरेट हो गई है रिलेटिवली मोर साइंटिफिक हो गई है सो वट वी हैव डिस्कस नाउ इज कि जो टेक्नोलॉजी की वेव है टेक्नोलॉजी की वेव ने प्रोडक्शन सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस किया मार्केटिंग को भी इन्फ्लुएंस किया एच आर को भी इन्फ्लुएंस किया आपके इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस किया एंड नाउ वेन यू विल बी वर्किंग इन एन एनऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू वर्क विद दिस न्यू मैथड न्यू प्रोसीजर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एज वेल